पहला वर्ड था कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब किसी चीज़ में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, मीनिंग है अ क्वालिटी ऑफ समथिंग। सेकेंड वर्ड है कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। रेंजिंग, अ रेंज बिटवीन, देखिए रेंजिंग का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कोई रेंज है वन से लेके 10 तक, तो ये क्या है, एक रेंजिंग है, अ रेंज बिटवीन, ठीक है। फोर्थ है इक्वेटर, इक्वेटर का है अ लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ, जो हमारा अर्थ है इस पर एक लाइन ड्रॉ है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। फाइव है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की स्पेलिंग सही कर लीजिए, LATT होता है इसमें, बुक में आपके रॉन्ग है, इस वजह से बाई मिस्टेक लिख गई थी वो। लैटिट्यूड होता है जो, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची होती हैं, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एन एंगुलर डिस्टेंस। सिक्स है सिग्निफिकेंटली, इसका लिखेंगे हैविंग मीनिंग, जिस चीज़ का कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो, उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। सेवन है मार्जिन, एम्प्टी स्पेस एट द साइड ऑफ द पेज, साइड ऑफ पेज, किसी भी पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अलाइनमेंट, अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, देखिए अगर हमने ये वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं तो ये किसी एक अलाइनमेंट को फॉलो करके हमने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये इसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट वैसे दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। और MS वर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर, चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है डायमेंशन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विथ और हाइट ऑफ समथिंग, अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विथ और हाइट ऑफ समथिंग। इनक्लोजेज, टू पुट वन थिंग इनसाइड अनदर, जैसे हम HTML में टैग्स लगाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि जो टैग में हम ब्रैकेट लगाते हैं, एंगल ब्रैकेट, वो क्या है, वो इनक्लोज्ड करते हैं किसी एक टैग को, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग लिख लीजिएगा आप, चेक कराइए एडिटर ऐप पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।